हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत से मदर का क्वेरी आया है, क्वेश्चन आया है कि क्या डायरिया में बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। दोस्तों, अभी बता दें कि डायरिया में बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, इवन डिपेंड ऑन कि आपके बच्चे आपका मदर मिल्क इजिली डाइजेस्ट कर ले रहा है नहीं कर ले रहा है, क्योंकि कभी कभी सीवियर डायरिया में हमें मदर मिल्क भी स्टॉप करने की सलाह देते हैं, क्योंकि बच्चे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं मदर मिल्क, और मदर मिल्क में इंट्रोलेंस ज़्यादा होता है, इसके वजह से डायरिया में मदर मिल्क भी डायरिया को बढ़ा सकता है। इवन हर किसी में नहीं हुआ है, ये बहुत सीवियर डायरिया है उसमें मदर मिल्क बंद करके और जो इजी मिल्क होता है, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जो डायरिया में इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा हम लोग मिल्क बच्चे को प्रिस्क्राइब करते हैं और वो इजीली बच्चे में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर बच्चे को डायरिया है तो उसमें आप सावधानी क्या क्या कर सकते हैं, ये बातें हमें जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर बच्चा को डायरिया है तो वहाँ पे आप हाइड्रेशन का मेंटेन करना सबसे फर्स्ट ए ट्रीटमेंट है। हाइड्रेशन मेंटेन करना, बच्चा सुस्त तो नहीं हो रहा है, बच्चे का आँख अंदर तो नहीं धंस रहा है, या स्किन पालपलेट करने पर, स्किन ऐसे पंच करने पर एकदम से पंच हो जा रहा है। अगर बच्चा डिहाइड्रेट रहता है तो अगर आप उसके स्किन को पंच कीजिएगा तो वह ऐसे ही रह जाएगा, धीरे 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 करके खुलेगा। तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना डायरिया में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। हाइड्रेशन को मेंटेन करना, यानी जितना पानी बॉडी से लॉस हो रहा है, जितना पानी बच्चे के बॉडी से लॉस हो रहा है, इवन उल्टी से हो रहा है या दस्त से हो रहा है, तो वहाँ पे पानी, जितना पानी वेस्ट हो रहा है उतना पानी हमें बच्चे को ऊपर से देना पड़ता है, ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो, और डिहाइड्रेट होने के बाद बच्चा शॉक में भी चला जाता है, ऐसा केस बहुत मिला है। तो प्लीज़ आप हाइड्रेशन मेंटेन रखें और एकदम पैनिक ना हो। अगर दस्त हो रहा है तो आप एकदम से पैनिक ना हो कि एक दिन में, दो दिन में, ये जल्दी क्यों नहीं ठीक हो रहा है। ये एक वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से भी डायरिया हो सकता है, तो ये धीरे 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 स्टॉप होता है, एकदम से स्टॉप नहीं होता है। और बहुत से डॉक्टर ये हैं कि उसमें लोपेरामाइड टैबलेट दे के और दस्त को एकदम से रोक देते हैं, जो कि सही नहीं है। ये हमारे इंटेस्टाइन को जो मोमेंट होता है वो उसको एकदम स्लो कर देता है। स्लो करने की वजह से कभी कभी बच्चे में देखा गया है कि आँत भी फंसने का ऑब्स्ट्रक्शन होने का भी चांस बहुत देखा गया है। बच्चों में बिना पीडियाट्रिक के एडवाइस के लोमोफेन या लोपेरामाइड का टैबलेट ना दें, ये सबसे डेंजरस हो सकता है डायरिया में। तो फिर मैनेज हम लोग डायरिया कैसे करते हैं, तो कभी कभी बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है, अगर बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है तो वहाँ पे नस के थ्रू फ्लूइड दिया जाता है और हाइड्रेशन मेंटेन रखा जाता है। अगर आपको बच्चे को डायरिया है तो आप खाने में क्या क्या देख सकते हैं, बहुत मदर्स का क्वेरी है कि मेरे बच्चे को डायरिया हुआ है तो वहाँ पे क्या दे बच्चे को जो डायरिया ना बढ़ाए। तो उसके लिए आप खिचड़ी दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, मड़गीला दे सकते हैं, या छाछ दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, अगर बच्चा 2 साल 3 साल प्लस है केला दे सकते हैं, इवन सेब भी बॉयल करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। ऐसा लिक्विड दे जो बच्चे को इजीली डाइजेस्ट हो जाए और वहाँ पे हाइड्रेशन को भी मेंटेन करे, तो उसमें आप अनार का भी जूस दे सकते हैं बच्चे को, जो कि हाइड्रेशन मेंटेन रखे, और नारियल का पानी दे सकते हैं या साबूदाना दे सकते हैं बच्चे को, इससे आपके डायरिया में भी फायदा होगा और बच्चे का डायरिया बढ़ेगा नहीं। कभी कभी देखा गया है कि बच्चे में एक्सेस से ज़्यादा डायरिया होने से, ज़्यादा मोशन होने से पैखाना का जो रास्ता है वो छिल जाता है, वो पैखाना के रास्ते में भी इन्फेक्शन फैल जाता है। तो वहाँ पे आप लोग सबसे बड़ा गलती ये है कि जिस बच्चे को डायरिया है उसको कभी पैम्पर्स पहना के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्वेंटली मोशन होता है ना डायरिया में, फ्रिक्वेंटली मोशन होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे मोशन कर दिया फिर वो ऐसे ही पैम्पर्स में रह जाता है, रहने के कारण यह है कि वो चिपके, स्किन से चिपके रहने के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है। इन्फेक्शन फैलने से वहाँ पे रेड चकत्ते हो जाते हैं, वहाँ पे इचिंग होने लगता है, और पेशेंट और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है, ज़्यादा बेचैनी हो जाता है बच्चे में। तो वहाँ आप लोग बच्चे को कॉटन का लॉन्गवट पहना के रखें,
और बार जितने बार मोशन कर रहा है आप कोशिश करें कि उतने बार आप क्लीन करके रखें एनस साइड, बच्चे को जो एनस साइड है उसको क्लीन करके रखें, इससे डायरिया बढ़ेगा भी नहीं और इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल हो जाएगा और बच्चे को ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। ये रहा बच्चे में डायरिया को कैसे कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे का डायरिया में क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे मेंटेन किया जाता है, और हम लोग बात करेंगे कि जो डायरिया है वो दांत निकलने में क्या इन्वॉल्व है, क्या अंतर है कि दांत निकलने के समय बच्चा पोटी कर रहा है या दांत निकलने के बाद बच्चा पोटी कर रहा है और डायरिया में क्या डिफरेंट है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ से लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।